हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी आई मेकअप लुक जो कि आप मिनटों में कर सकती हैं। बहुत ही सिंपल एंड इजी ये आई मेकअप लुक आप पार्टी के लिए कर सकती हैं, फेस्टिवल ओकेजन के लिए आप इजीली आई मेकअप कर सकती हैं। इसे करना बहुत ही आसान है, मैं इजी स्टेप बताऊंगी ताकि इजीली आप इसे कर सको। आप बिगनर्स, आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि मेकअप कैसे करते हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप मेकअप कर पाए, सीख पाए। मैं आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मेकअप सिखाती हूँ, बेसिक टू एडवांस नॉलेज देती हूँ मेकअप से रिलेटेड। तो चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट मेकअप सीख पाएँ। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेकअप सिखा रही हूँ सिर्फ वीडियो के थ्रू। आप वीडियो को देखिए और मेकअप सीखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सिंपल एंड इजी आई मेकअप लुक जो कि आप पार्टी ओकेजन फेस्टिवल के लिए इजीली कर सकती हैं। सबसे पहले अपने स्किन टोन से लाइट कंसीलर आपको लेना है और आई लीड पे लगानी है। क्वांटिटी कम रखेंगे, ज़्यादा नहीं करना है आपको। और लगाने के बाद आपको ब्रश की हेल्प से अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग करनी है। प्रॉपरली ब्लेंडिंग हो जाए उसके बाद आपको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग करनी है। इससे आपको परफेक्ट बेस मिल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अच्छे से कंसीलर को सेट करेंगे लूज बॉर्डर से। इससे आपका फिक्स हो गया है, अब मेकअप आपका स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आपको लगाना है ट्रांजिशन शेड। ट्रांजिशन शेड यहाँ पे मैं ले रही हूँ पिंक कलर का, न्यूड पिंक। पूरे आई लीड पे आपको अप्लाई करनी है और अच्छे से प्रॉपरली ब्लेंडिंग करनी है। इसमें एक बात का ध्यान रखें, जितनी अच्छी ब्लेंडिंग उतना अच्छा आई मेकअप होगा। तो ब्लेंडिंग अच्छे से करें। उसके बाद लेंगे डार्क पिंक और आईज़ के आउटर कॉर्नर पे लगाएंगे। आई मेकअप में ये बात का ध्यान रखें कि आईज़ के आउटर कॉर्नर में डार्क होता है और इनर कॉर्नर में लाइट होता है। तो इस तरह से अच्छे तरीके से प्रॉपरली ब्लेंड करेंगे, कोई हार्श लाइन दिखनी नहीं चाहिए। अब क्या करना है, सिल्वर कलर का सीमर मैट आई शेडो लेनी है, आईज़ के इनर कॉर्नर पे अप्लाई करनी है। ब्रश की हेल्प से अच्छी तरीके से करेंगे। आईज़ के इनर कॉर्नर से मिड तक आपको लेके जाना है इसे सीमर मैट आई शेडो को, और प्रॉपरली अप्लाई करनी है अच्छे तरीके से। जब ये अप्लाई हो जाए तो आपको एक फ्लॉपी ब्रश लेनी है और पूरे आई लीड पे अच्छे से ब्रश को ऐसे राउंड कर देनी है ताकि कोई हार्श लाइन दिखे और आई मेकअप आपका परफेक्ट एंड फ्लॉलेस दिखे इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है, आईब्रो बोन को हाईलाइट करेंगे, इससे आई मेकअप बहुत ही ब्राइटन दिखता है। उसके बाद इसका डिफरेंस आप देख सकते हो, है ना, इस तरीके से आपको अप्लाई करनी है। उसके बाद इनर कॉर्नर पर लगाते हैं आईज़ को ब्राइटन दिखाने के लिए, इस तरह से आपको भी लगानी है। उसके बाद क्या करना है, जो मैट आई शेडो आपने पिंक कलर का लगाया था पहले फर्स्ट में ट्रांजिशन शेड, वो आपको लेना है, आईज़ के लोअर लेसेस पे आपको अप्लाई करनी है। देन अच्छे तरीके से ब्रश की हेल्प से स्मच करेंगे, ज़्यादा भी नहीं लेना है आपको, जिस तरीके से मैं अप्लाई करी उतना ही क्वान्टिटी में आपको लेना है और अच्छे से प्रॉपरली ब्लेंडिंग करनी है, अच्छे से स्मच करना है। उसके बाद लगाना है आपको काजल। काजल अच्छे तरीके से लगाएंगे वाटर लाइन पे। उसके बाद लगाना है आपको लाइनर। लाइनर लग जाए उसके बाद आपको लगाना है मस्करा। मस्करा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये आईज़ को फुलर दिखाता है, बड़ा दिखाता है और प्लस की लैसेस को ये फुलर दिखाता है, जिससे आपका आईलैसेस बहुत ही अच्छा सा नेचुरल सा विजिबल होता है और आई मेकअप बहुत ही परफेक्ट दिखता है। इसे कभी भी स्किप ना करें। यू कैन सी द फाइनल लुक, आप देख सकती है आई मेकअप कितना अच्छा हुआ है, कितना परफेक्ट हुआ है और कितना ईजी स्टेप मैंने बताया, जिसे फॉलो करके आप ये आई मेकअप क्रिएट कर सकती हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट्स है तो आप मुझसे कॉमेंट करके पूछ सकती हैं, मैं डेफिनेटली सारे क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। ये मेकअप क्रिएट कीजिए, कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप मेकअप वीडियो देखकर मेकअप सीख पाएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का। बाय बाय, टेक केयर।